बिहार में अचानक से राजनीतिक परिस्थितियां बहुत तेज़ी से बदल रही हैं और बदल रहा है बिहार का राजनीतिक माहौल भी। अब आपने लगातार सुना होगा कि किस तरह से सरकार बदलने के बाद दबाव बढ़ रहा है नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान कराने की। वहीं आपको दूसरी तरफ नीतीश कुमार के पार्टी से लेकर के उनके संगठन और उनके जो बनाए हुए पूरा एम्पायर है उसमें सेंधमारी हो रही है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात का दावा कर रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर खरमंडल मचा हुआ है, नेता काफ़ी नाराज चल रहे हैं और पाला बदलने को लेकर विधायकों में सांसदों में भारी जो है रोष है। इन सारी बातों को लेकर के हालांकि जदयू के तरफ से इस तरह का कुछ नज़ारा देखने को नहीं मिला है और ना ही किसी नेता ने विद्रोह किया है, लेकिन बारी बारी से जिस तरह से आरसीपी सिंह और आरसीपी सिंह गुट नीतीश कुमार के खेमे में हलचल मचाए हुए हैं, लगातार नेता शामिल हो रहे हैं, वो देख करके लग रहा है कि कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह गुट काफ़ी एक्टिव हो गया है। लगातार जनसंपर्क अभियान भी चल रहा है और इसी के सिलसिले में दरियापुर छपरा में जनसंपर्क अभियान के दौरान नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे संतोष महतो, जो अति पिछड़ा के जाने माने नेता हैं और काफ़ी कहा जाता है कि मजे हुए नेता हैं, वो आरसीपी सिंह के साथ अपना समर्थन दिया और उन्होंने पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया। इस पूरे मामले पर कन्हैया सिंह की भूमिका सबसे अहम रही। कन्हैया सिंह एक शिक्षाविद हैं और लगातार आरसीपी सिंह के साथ उनका बेहतर सामंजस्य रहा है। आपको बता दें कि कन्हैया सिंह ने इस कार्यक्रम के दौरान बहुत सारी बातें कही, अगर उन बातों को आप सुने तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सुनिए कन्हैया सिंह ने अपने ओजस्वी भाषण में क्या कुछ कहा। मजबूत दिख रहा है तो उसको मजबूत बनाने में माननीय आरसीपी सर का अहम योगदान है। 2005 से 10 तक यही प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, इन्होंने ही कानून का राज कायम किया था। वो दौर याद कीजिए जब बिहार को लायबिलिटी कहा जाता है, उस बिहार से छुटकारा दिलाने में किसका योगदान था? रामचंद्र बाबू का योगदान हुआ इनके साथ। इन्होंने जिसके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा, चाहे बारिश हो, धूप हो, ठंड हो, लेकिन इन्होंने पिछले 22 साल से भी ज्यादा 25 साल तक जिस व्यक्ति के पीछे खड़ा रहे, बताइए एक सत्ता के लिए, एक कुर्सी के लिए इन्होंने उन्होंने क्या किया? धोखा दिया। इनके साथ क्या हुआ? चीट हुआ। और किसके साथ चले गए? उसी के साथ चले गए जो कभी बिहार में याद रहे कंगल राज, रुआ सभी की याद हुई थी क्या हालत रहे, अति पिछड़ा पिछड़ा भाई के क्या हालत रहे, रुआ सभी की याद हुई, उसी के साथ उन्हीं के साथ चले गए। ये सब 74 के निकले हुए 74 के आंदोलन को मैं राजनीतिक मंथन कहते हैं। उस राजनीतिक मंथन से ये निकले हुए सारे 20 है और सारे 20 एक साथ देखिए आज मिल गए। आप लोग रामचंद्र बाबू के हाथ को मजबूत कीजिए। और ये मैं जानता हूं पर्सनली, मैं ईश्वर की साक्षी मान के कहता हूं, ये व्यक्ति हमेशा बात करते हैं तो अति पिछड़ों की बात करते हैं, उसके हाथों को कैसे मजबूत किया जाए उसकी बात को करते हैं। क्योंकि आज के कार्यक्रम ये राजनीतिक ना रहे और संतोष महतो जिंदाबाद। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386